सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करके नई वीडियोस अपडेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हेलो दोस्तों, आपने कई सारी बॉलीवुड एक्ट्रेस को देखा होगा जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर इतना नाम कमाया, और इतना ही नहीं, इन लोगों को यहां तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि आज के समय में तो वो बेहद ही अच्छी लाइफस्टाइल जी रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से कुछ एक्ट्रेस ऐसी भी हैं जो एक्ट्रेस बनने से पहले किसी और तरह की जिंदगी ही जीती थी। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी ही अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आज के समय में बेहद ही मशहूर हैं। इतना ही नहीं, आज के समय में उनके पास नाम भी है और पैसा भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेजी शाह की, जिनके बारे में आप भी बड़े अच्छे से जानते होंगे। आपको बता दें कि डेजी शाह एक भारतीय फिल्म मॉडल अभिनेत्री हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि डेजी अभिनेत्री होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी डांसर भी हैं। डेजी को डांस का बहुत शौक है। वे एक ग्रुप में और बेक डांसर के रूप में काम करती थी। एक दिन बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने उन्हें अपने डांसिंग ग्रुप में शामिल होने की सलाह दी। उसके बाद डेजी गणेश के डांसिंग ग्रुप में 2 साल तक रही। उसके बाद वे उन्हें असिस्ट करने लगी। वे इसके अलावा अपने मॉडलिंग करियर में भी सक्रिय थीं। इसी दौरान उन्हें फिल्म बॉडीगार्ड में करीना कपूर की सहेली का रोल ऑफर हुआ, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और साउथ की फिल्मों में चली गई। उन्होंने हिंदी सिनेमा में फिल्म जय हो से कदम रखा था। कहा जाता है कि बॉलीवुड में डेजी को कदम रखने का चांस सलमान खान ने ही दिया था, जिसके बाद से इन्होंने जय हो फिल्म से अपना डेब्यू किया। वहीं ये भी बता दें कि हाल ही में डेजी शाह सलमान खान की मल्टी स्टार फिल्म रेस 3 में भी एक महत्वपूर्ण किरदार में नजर आ चुकी हैं। लेकिन डेजी के बारे में आज जो हम बताने जा रहे हैं वो शायद ही आपको पता होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बात का खुलासा खुद डेजी ने ही एक इंटरव्यू के दौरान किया था कि उनके पिता एक ड्राइवर थे। उन्होंने बताया कि मैं चाहे जितनी बड़ी अभिनेत्री बन जाऊं या कितना भी पैसा कमा लूं, मगर ये बात कभी नहीं भूलूंगी कि मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ। इतना ही नहीं, डेजी अपना बचपन याद करते हुए कहती हैं कि अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो कोई भी पहुँच सकता है, लेकिन इसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं तो लक हमेशा आपका साथ देगा। डेजी भूषण कुमार की फिल्म हिट स्टोरी 3 में भी नजर आ चुकी हैं। डेजी शाह ने कहा, मेरे लिए जय हो में ब्रेक मिलना चैलेंजिंग था और इसके बाद मेरा सफर काम और किस्मत पर निर्भर था, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे माता पिता के आशीर्वाद ने यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की है, और मैं खुश नसीब हूँ कि सलमान ने मुझे एक लेवल तक पहुँचने में मदद की। डेजी ने कहा कि मुझे लगता है जिंदगी चुनौतियों से भरी है, आपको अपने जन्म से चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे लेटेस्ट न्यूज वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले पाए। धन्यवाद।